কোন मध्य प्रदेश में है जबलपुर जबलपुर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और एक ग्वालियर हमारे यहाँ पंतनगर और दूसरा चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर दो बड़े पुराने कॉलेज है जिनके बच्चे पढ़ने जाते थे पकेवर में और आगरा में आगरा के आरबीएस में बिशपुरी आरबीएस में बिशपुरी मैं भी प्रोफेसर हूँ लेकिन मैं आगरा कॉलेज में जी सर मैं भी प्रोफेसर हूँ एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट दो स्टेशन में यहाँ भी चलाता हूँ आप बिशपुरी में आपके बच्चे आते हैं जी सर जी सर जी सर एक राजा बलवंत सिंह थे जी सर वो पढ़े लिखे नहीं थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गई थी अबागढ़ के तो लोग उनके पास गए कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आप कुछ करिए तो उन्होंने एक पढ़े लिखे नहीं थे तो चेक पे एक लिखा फिर एक जीरो बना इतनी बनाई हर जीरो पे 10 टाइम हो जाता है तो उनके खजांची ने कहा अब एक और बना दोगे तो सब चला जाएगा लेकिन वो 3,000 एकड़ जमीन दे के गए और जो अबागढ़ में वो तो चलो स्क्वायर गज अब बता रहा हूँ कि उनका जो बिचपुरी कैंपस है वहाँ 30,000 स्क्वायर गज जमीन है और जो आरबीएस कॉलेज है वहाँ 1,00,000 रुपए स्क्वायर गज तो सोचो अगर उन्होंने ये जमीन नहीं दी होती तो उनके बच्चे उत्तराधिकारी कोई निकल रहा होता शराब वराब पीछे से बेच देता या बिल्डर होते अब वो हमारा आरबीएस का नाम यहाँ तक है बहुत सारे स्टूडेंट्स राजा बलवंत सिंह ने ये नहीं दिया होता समाज के लिए नहीं दिया होता तो उनके बच्चे कोई ना कोई एक तो निकम्मा निकलते ही है तीसरी पीढ़ी में जो बेचता और दारू पीता तो अब कितना अच्छा कॉलेज हमारे पास है राजा बलवंत सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज।